जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन सुनील पाल ने कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों के खिलाफ एक वीडियो बनाते हुए डॉक्टरों के लिए शैतान, चोर और बेईमान जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया है, जिससे डॉक्टर नाराज हो गए हैं और ऐसे में एम्स के डॉक्टरों ने सुनील पाल को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खुद सुनील पाल, उन्हीं से हम बात करेंगे। आपने जो वीडियो बनाया है काफी आपत्तिजनक और काफी विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया, चोर, शैतान और बेईमान जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया कोरोना के डॉक्टर्स के खिलाफ, ये वीडियो बनाने की वजह क्या थी और क्या ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करना जायज है? एक जमाने में हम डॉक्टरों के लिए भगवान शब्द का भी इस्तेमाल करते थे, कहते थे कि इनसे ज्यादा इंसानों का हित चिंतक कोई नहीं हो सकता था, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? आप आए दिन उठाकर देख लीजिए, मैं आपके ही न्यूज चैनल में देखते रहता हूँ, कहीं किसी हॉस्पिटल में कोविड मरीज बेसहारा छोड़ दिया गया है, उसको बेड नहीं मिल रहा, उसको इलाज नहीं मिल रहा है, उससे अनसंट पैसे मांगे जा रहे हैं, बिल है 5,000 का और 25,000 बताया जा रहा है। तो ये सारे काम कौन करता है? चोरी तो करता है, शैतानी तो करता है, ये काम भगवान की तो है नहीं। और फिर मैंने खुल के भी कहा, मैंने कहा भाई 90% डॉक्टर चोर है, 10% तो अभी भी मेरी नज़र में अच्छे हैं, तो एम्स के डॉक्टर को 10% में आपने अपने को क्यों, क्योंकि मैंने एम्स के डॉक्टर का तो नाम लिया भी नहीं था। एम्स में जो डॉक्टर काम करते हैं वो गरीबों का इलाज तो करते नहीं है, वहाँ गरीब तो पहुँच ही नहीं सकता, वो तो वैसे भी बड़े और वैसे भी बड़े हैं, वो तो है ही भगवान का रूप, अगर वो बुरा मान रहे तो आपको फिर वो 10% में रखो ना, आप अपने आप को क्यों, आपने 90% में रख के अपने आप को क्यों, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है आपको, आपको लगता है अपने बारे में कुछ। तो फिर मैं क्या पूरी दुनिया ही बोल रही हूँ उनको, मेरा क्या बोलना है, कोई अलग से कुछ नहीं है। अपने वीडियो में ये भी कहा है सुनील पाल जी कि ये जो इलाज चल रहा है, गरीबों को लूटा जा रहा है और गरीबों को का जो शव है वो उनके परिजनों को नहीं दिया जाता है, डरा कर कि ये कोरोना का मरीज है और कोरोना से आप भी संक्रमित हो जाएंगे, और इस तरह से शव ना देते हुए डॉक्टर्स जो हैं मानव अंगों की तस्करी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि आप सीधे सीधे कोरोना के डॉक्टर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो मानव अंगों की तस्करी कर रहे हैं। तो नहीं होती है क्या मानव अंगों की तस्करी? नहीं होती है क्या? ये शब्द कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं यहीं से आया ना कि कुछ डॉक्टरों के द्वारा, अब मैं पूरे डॉक्टरों के नहीं कहूँगा नहीं तो बाद में फिर पकड़ लेंगे मुझे, कुछ डॉक्टरों के द्वारा गर्भपात होता है, भ्रूण हत्या होती है, कुछ डॉक्टरों द्वारा अंगों की तस्करी होती है, किडनी की तस्करी, सभी ऑर्गन्स ऐसे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये बात तो सच है, होती है। और हाँ, कोविड से मरने वाले मरीज को उनके घर वालों को नहीं सौंपा जाता, ये खबर तो आपने खुद ही कई बार चलाई है, न्यूज़ में कई बार आई है। तो कोरोना के हालात के चलते तो इसमें एक, यहाँ तक तो ठीक है ना कि भाई कोरोना के जो मरीज है उनको परिवार को नहीं दिखाया जाता, उनको डायरेक्ट बोला कि भाई इनको हो सके तो डायरेक्ट शमशान में हम ही भिजवा देते, आप वहीं आ जाना, और अभी इसमें 10-15 लोगों की एंट्री होगी, उससे ज़्यादा की लोगों की एंट्री नहीं होगी। अभी मेरे कितने सारे दोस्त मरे हैं पिछले साल, ये साल अभी मैंने एक फिल्म बनाई लॉकडाउन टू अनलॉक, उसमें एंड स्कूल में मैंने सबको श्रद्धांजलि दी है, ठीक है, वो तो मैंने मेरी फिल्म को तो मेरे कैसे बहुत बड़ा इल्ज़ाम है मानव तस्करी करना डॉक्टरों द्वारा, कोरोना जो दिन रात कोरोना का इलाज कर अस्पताल से नहीं जा रहे हैं, दिन दिन भर उन्हें कोरोना का सूट पहने रहना पड़ता है, जिससे वो लघु शंका के लिए भी नहीं जा सकते हैं, टॉयलेट नहीं जा पा रहे हैं, पानी घंटों बाद पानी पी सकते हैं, पी पाते हैं, तो ऐसे में ये इल्ज़ाम लगाना कितना जायज़ है? तभी तो मैंने कहा ना कुछ प्रतिशत डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, संपूर्ण डॉक्टर व्यवस्था को मैंने ये नहीं कहा, सब लोग नहीं कर रहे, कुछ प्रतिशत डॉक्टर। तो इसमें एम्स के डॉक्टरों को बुरा क्यों लग रहा है भाई, जब मैंने खुलेआम शुरू में डिस्क्लेमर दे रखा है कि कुछ प्रतिशत लोगों से मेरी नाराजगी है, तो आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है। मुझे तो FIR आपके खिलाफ करनी चाहिए कि क्यों आपको बुरा लग रहा है, इसका मतलब कि आप कुछ करते हैं। लेकिन
इतने गंभीर जो इल्जाम आपने लगाए हैं उसका आधार क्या है, कहां से आपको ये जानकारी मिली कि मानव अंगों की तस्करी हो रही है, गरीबों को कोरोना नहीं है फिर भी उनका दिन दिन भर इलाज किया जाता है और उनको मार दिया जाता है, आपने ये शब्दों का इस्तेमाल भी किया है कि मरीजों को मार दिया जा रहा है पैसों के चक्कर में, मानव अंगों की तस्करी के चक्कर में, ये बहुत बड़े इल्जाम है, ये जानकारी का आधार क्या है आपका? इसका स्रोत तो ये है कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और पूरा नेता मंडल, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो टीएमसी का हो, खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, खुलेआम रैलियां कर रहा है 10-10 लाख 20-20 लाख में, और कोई मास्क नहीं लगा रहा है, एक भी आदमी मास्क नहीं लगा रहा, और यहाँ एक आदमी मरीज कोरोना के नाम पे एडमिट किया जाता है और शाम को उसकी मौत की खबर आती है, आपको यहाँ पे शक पैदा नहीं होता? कितने सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 35 साल की 40 की बस इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे 5-6 दोस्त मेरे ऑर्गेनाइजर इवेंट वाले मरे हैं, तो मुझे दुख नहीं होगा मेरे अपने? आपका कहना है कि इन अस्पतालों में मरीजों की हत्या हो रही कोरोना के इलाज के नाम पर? बिल्कुल हो रही, क्योंकि जब इससे कई सारे ऐसे बड़े सेलिब्रिटी है जो 5-5 दिन में ठीक होके आ गए, अक्षय कुमार ठीक होके आ गए, आलिया भट्ट ठीक होके आ गई, वो कहीं और छुट्टियां मनाने चली भी गई, गोविंदा साहब ठीक होके आ गए वो शूटिंग करने चले गए, अमित शाह जी को खुद कोरोना हुआ था, योगी जी को खुद कोरोना हुआ है लेकिन फिर भी वो रैली कर रहे हैं और अमित जी अपना तो 4-5 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। सुनील ये बताइए कि कोरोना जो है वो किस कदर आपको संक्रमण हुआ है, कितना अधिक उसने आपको ग्रसित कर लिया है, आपके शरीर पर हावी हो गया, उस पर उसका इलाज निर्भर करता है, उस पर डिपेंड करता है मरीज बचेगा या नहीं बचेगा, या पहले से किसी मरीज को अगर अन्य बीमारियां हैं तो जटिलताएं पैदा होती है, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, तो सबके ठीक होने का जो टाइमिंग होता है, जो दिन होते हैं वो अलग अलग होता है, कोई जल्दी ठीक हो जाता है, कोई किसी को मामूली सिम्टम्स होते हैं, कोई मर जाता है, तो इसका पैटर्न है, एक अलग पैटर्न है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सभी मरीजों को एक ही साथ एक ही वक्त ठीक होना चाहिए, जल्दी जल्दी ठीक होना चाहिए, ये गंभीर बीमारी नहीं है, आप कोरोना पे ही सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, कोरोना एक गंभीर बीमारी अगर होती तो हेल्थ मिनिस्ट्री, चुनाव आयोग, मीडिया वाले एंड मेरे ख्याल से WHO, ये प्रधानमंत्री साहब को अलाउड नहीं करते वहाँ जाने के लिए 10 लाख की भीड़ में, मास्क लगाने के लिए तो कम से कम बोलते ही बोलते, अगर कोरोना बहुत गंभीर बीमारी होती तो प्रधानमंत्री को खुद फोन आ जाता कि दुनिया भर में क्रिटिसिज्म हो ही रहा है प्रधानमंत्री का भी, तमाम जो पार्टियां जो इस तरह की रैलियां कर रही सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये कोरोना को बढ़ावा दे रहा है, संक्रमण को और बढ़ा रहा है, तो फिर वो लोग नीडर होके रैली कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये क्यूरेबल है, ये ठीक हो जाएगी, वरना कोई भी आदमी अपनी जान जोखिम में डालेगा क्या? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को खुद की जान की तो परवाह होगी ना, अमित शाह को खुद की जान की परवाह तो होगी ना, वो थोड़ी अपनी जान की जोखिम में डाल देंगे चुनाव के लिए, जनता के लिए या किसी चीज़ के लिए, जनता के लिए डाल देंगे भले। दुनिया भर में यही प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है कि सभी को घर में रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, भले वो नेता हो भले वो जनता हो, जो भी अगर इसका पालन नहीं करता तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इसका क्रिटिसिज्म भारत में भी अब बहुत जोर शोर से हो रहा है, किसी को भी स्पेयर नहीं किया जा रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, हर किसी की आलोचना हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई और शख्स हो, ऐसे में कोरोना में सवाल उठाना बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। कोरोना के लिए सवाल उठाना बहुत बड़ा इल्ज़ाम है लेकिन बहुत बड़ा कहीं ना कहीं झोलझाल भी है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुंभ के मेले में पता नहीं कितने साधु आज भी नहा रहे हैं कुंभ के मेले, कई लोग तो कोरोना पॉजिटिव भी हो गए, बड़े बड़े जो अखाड़ा के जो बड़े बड़े साधु थे, तो वहाँ पर परमिशन तो गवर्नमेंट नहीं दी ना उनको, नहीं जानी चाहिए थी जो गवर्नमेंट एक आम आदमी को मास्क लगाने पे 2000 का भी किसी गरीब को 10000 का फाइन लगा दिया, ठीक है, गरीब आदमी वैसे ही परेशान है, उसके पास काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, वो बीमार क्यों पड़ रहा मालूम है कि कोरोना की वजह से बीमार नहीं पड़ रहा, वो आजू बाजू के हालात देख रहा है, उसको फोन आ रहे हैं कि फला चाचा चला गया, फला मामा चला गया, फला दोस्त चला गया, और नौकरी नहीं है, बच्चे की फीस देनी है, करनी है, तो आपका कहना है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है अस्पतालों में इलाज के नाम पर, गरीबों की जान ली जा रही है, उनके मानव अंगों की तस्करी हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि
एम्स जो दिल्ली एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर का एसोसिएशन है उसने आपके बयान पर आपके वीडियो पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई है और आपको गिरफ्तार करने की मांग सीधे अमित शाह को टैग करके उन्होंने ट्वीट पर की है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या आप माफी मांगेंगे या आपका रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या है? मैं सेम रिएक्शन उनके लिए दूंगा कि पहली बात तो मैंने आपके लिए पूरा बोला नहीं है, आपका नाम ही नहीं लिया मैंने। एम्स के डॉक्टर तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वहां पर गरीबों का तो इलाज होता नहीं है। पहली दूसरा, अगर वो मुझे गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जिस टाइप के आप अगर उनका ट्विटर उठा के देखेंगे तो जिस टाइप के शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, मुझे तो शर्म आती है उनको डॉक्टर कहते हैं, मुझे तो शर्म आती है जिस टाइप की उनकी बातचीत की शैली है लोगों के साथ, जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं वो अपने आप को सचमुच भगवान समझ बैठे हैं। उन्हें बुरा इस बात का लग रहा है कि हम तो भगवान हैं, हमें शैतान क्यों कहा जा रहा है, जबकि मैंने सबको नहीं कहा है। और यही मेरी गुहार जो है, हम नहीं मांगेंगे अपने बयान के लिए इस बड़ी आपत्ति के बावजूद। कहा ही नहीं ना उसकी उनको कि भाई जब जो चीज़ मैं गिरफ्तारी का डर या कानून का डर, मैं कहूँगा कि कोरोना सबको हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप भी आ गए, ठीक है, कोरोना सबको नहीं हो रहा तो उसमें आप भी आ गए, तो मैं लेकिन उसमें ये भी बोल रहा हूँ कि 10% स्वस्थ भी है तो उसमें आप भी तो आ सकते हैं, तो मैं सबके लिए इल्जाम नहीं मांगे, आपको कानून का डर नहीं है? क्योंकि अभी तो मैंने इतने दर्द झेले हैं, दुख झेले हैं, इन डॉक्टरों को तो खैर उनकी अपनी पड़ी हुई है, आप आए दिन न्यूज़ भी उठाकर देख लीजिए जो देश की हालत बनी हुई है, कहीं किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल है, कहीं किसी के लिए कोई प्रोटोकॉल है, ये चार प्रोटोकॉल तो मेरे अभी तक समझ में नहीं आए, इलेक्शन और ये कुंभ का मेला, किसान की रैली, ठीक है, और एक दो चीज़ें जो भी हो रही है, तो ये चार पांच तो प्रोटोकॉल मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको संपर्क किया सीधे तौर पर ये वीडियो वापस लेने के लिए, इसे डिलीट करने के लिए? नहीं, अभी तो फिलहाल वो लोग इसी आक्रोश में हैं कि मुझे जितनी ज़्यादा गालियाँ दे सके देंगे, जितना ज़्यादा मुझे क्रिटिसाइज करना करेंगे और गृहमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो मुझे अरेस्ट करें, ठीक है, तो गृहमंत्री जी से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इन्हें अरेस्ट करें, क्योंकि इन्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा है? मैंने किसी को कहा है तो किसी को कहा है, आपको क्यों बुरा लग रहा है? जबकि शुरू में मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि सबको नहीं कह रहा हूं मैं। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़ मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।